थाना एडिविजन के इलाका से अगवा होने वाले 2 माह के कमसन बच्चे को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बाफाजत बाजियाब करवा लिया। हतून समेत 2 अगवाकार गिरफ्तार। थाना ए डिवीजन पुलिस को इतला वसूल हुई कि रेलवे रोड से 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजमान भीख मांगने वाली हतून की गोद से 2 माह के बच्चे को छीन कर फरार हो गए। वाक्य की इतला मिलते ही DSPCT परवेज इकबाल गोंदल, SHO थाना ए डिवीजन अमर शहबाज मौका पर पहुंच गए। वाक्य की शख्सियत की पेश नज़र DPO गुजरात भी फौरी मौका पर पहुंचे। बच्चे के मामू की मदियत में मुकदमा का अंदराज किया गया। DPO गुजरात उमर सलामत ने DSPCT की सरबराही में SHO थाना सिविल लाइन अमीर अब्बास, SHO ए डिवीजन और इफ्तार अहमद पर मुश्तमिल टीम तश्कील देकर फौरी तौर पर मुलजमान को ट्रेस करके बच्चे को बाजियाब करवाने के अहकाम जारी किए। इस दौरान खसूसी टीम ने CCTV कैमरे जात और दीगर मकाम से फोटेज की मदद से अगवा की वारदात में मुलवस मुलजमान को ट्रेस करके मुख्तलिफ मकाम पर छापे मारने के बाद 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके बच्चे को बाहफाजत बाजियाब करवा लिया। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान में सहेल शाह वल, तामर शाह, सकना शाहने, मोयुद्दीनपुरा, नायमा दुहतल, तामर शाह शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान सहेल शाह ने दौरान इंटरोगेशन की शफात किया कि मेरी बहन बे औलाद है, मेरी बहनोई ने गोद भरने के लिए बच्चे को अगवा करने का मनसूबा बनाया। मैं और मेरी बहनोई मोटरसाइकिल पर सवार होकर रेलवे रोड पर पहुंचे और वहां पर मौजूदा भीख मांगने वाली हतून, जिसकी हमने पहले से रिंग की कर रखी थी, की गोद से बच्चे को छीन कर फरार हो गए। मुलजमान की मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि फरार होने वाले मुलजम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी है। बच्चे को बाहफाजत बाजियाब करवाने पर बच्चे की वालदैन ने DPO गुजरात और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया।